अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज नाहिद किचन में हम चना दाल नमकीन बनाने जा रहे हैं। तो ये 300 ग्राम चने की दाल है, जिसे मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटे पहले 2 से 3 पानी धो के और उसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून जो था वो मैंने मीठा सोडा, खाने का सोडा डाल के इसे भिगो के रख दिया। तो अब देखिए हमारी जो दाल है वो अच्छे से भीग गई है। तो अब हम इसको, इसका ये जो पानी है ये निकाल देते हैं और इसको फिर 1 से 2 पानी धो के इसको रख देते हैं। सारी दाल मैंने इसको छन्ने में डाल ली है और मैं इसको 1 से 2 पानी से मज़ीद धो देती हूँ। क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा लगाया था, थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं ताकि इसका जो पानी है अच्छी तरह से दाग से निकल जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारी दाल का तमाम पानी जो है वो निकल गया है। अब हम इसको तमाम दाल को ये हमारा तौलिया है इसके ऊपर फैला देते हैं ताकि जो इसकी एक्स्ट्रा नमी है सारी वो खुश्क हो जाए। इसको कम से कम 1 घंटे के लिए आपने भिगोना है, वो फैलाना है। इसको आप साए में ही फैलाइएगा, धूप में नहीं फैलाइएगा, या फिर आप पंखे के नीचे भी इसको डाल सकते हैं। एक घंटे बाद फिर हम जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी जो चने की दाल है अच्छे से खुश्क हो गई है। इसे हमें तकरीबन 1 घंटे के लिए तौलिए में डाल के तो पंखे के नीचे रख दिया था, जिससे इसको जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो गया है। अगर आप देखेंगे आपकी दाल खुश्क नहीं हुई तो आप तौलिए या कॉटन की मदद से इसको इस तरह से करके भी खुश्क कर सकते हैं। तो अब ये दाल जो हमारी फ्राई करने के लिए तैयार है, तो चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ये कढ़ाई में ऑयल डाल के ऑयल को खूब अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हमारी जो खुश्की हुई हुई दाल है तो हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब आपको ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए और दाल फ्राई होने लगे तो फिर आप उसको मीडियम पे कर दें। जब आप दाल को ऑयल में डालें तो उस वक्त आप जब देखेंगे आपके बबल उठें, उस वक्त आप दाल को थोड़ी देर के लिए नहीं हिलाएं। जब आप देखेंगे आपके बबल्स कम हो गए हैं तो फिर आप चम्मच की मदद से दाल को जब आपकी ये दाल फ्राई हो जाएगी तो वो आपके ऑयल के ऊपर फूल के आ जाएगी उससे। तो ये देखें बस हमारी जो चने की दाल है ये फ्राई हो चुकी है, लेकिन इसका कलर भी चेंज हो गया है। और ये फ्राई होने के बाद ये ऑयल के ऊपर आ जाती है, इससे ये पता चल जाता है कि जो हमारी दाल है वो अच्छे से फ्राई हो रही है। इसको मैं निकाल रही हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी आज की जो चना दाल नमकीन है वो फ्राई हो गई है। और देखें इसको मैंने नीचे दो कागज़ बिछा लिए थे, जितनी भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा इस कागज़ में गर्म हो गया है। और अब मैं आपको इसका मसाला जो मैंने तैयार किया है मैं दिखा देती हूँ। 1 चम्मच
छोटी जो चाय की चम्मच होती है वो मैंने आमचूर पाउडर लिया है, आधी चम्मच किसी भी लाल मिर्च का पाउडर है और आधी चम्मच ही चाट मसाला है, और थोड़ा सा मैंने काला नमक लिया है और थोड़ा सा मैंने सफ़ेद नमक लिया है, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए मैंने ये नमक जो है कम लिया है। बाकी आप जितना खाते हैं आप पसंद के मुताबिक मसाले को कम से ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दाल है मैं इसमें कटोरे में शिफ्ट कर लेती हूँ। ये जो पाउडर है, मसाले जो हैं सारे शामिल कर, सारे मसाले जो हैं मिक्स कर देते हैं। मैं आपको इसको भी शॉर्ट करके दिखा दी, ये है हमारी आज की चना नमकीन दाल। इसमें जो मसाले शामिल किए हैं उसमें इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इस दाल को ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर हाँ, आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को अपने दोस्त अहबाब साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।